नमस्कार। आई अशोक व्यास एंड इनसाइट में अशोक व्यास कार्यक्रम आज एक ऐसी इनसाइट लेकर आप तक पहुंचने वाला है जिसका संबंध न केवल हमारे आसपास के समाज और राजनीति से है बल्कि पूरे विश्व से है। और विश्व की बात आती है तो हम ये नहीं भूल पाते हैं कि भारत ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया है और सारा विश्व एक परिवार है। और उस परिवार की भावना जिसके मन में हो जाती है तो उसको एक ऐसा संतोष मिल जाता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। और वो विश्व रंग सबके साथ बांटने की दिशा में बढ़ने वाले संतोष चौबे जी आज भारत से भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है संतोष जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, तो भारत के सभी मित्रों की ओर से आपका भी स्वागत है। बहुत धन्यवाद है। और इस बात के साथ में ये अनिवार्य है कि हम जब याद करते हैं भारत को तो जय श्री राम के अलावा राम राम के अभिवादन के साथ साथ हम उस पुल को भी याद करते हैं जिस पुल को लेकर वो सब हुआ जहां सत्य की असत्य पर विजय की बात आती है। और पुल संवाद के बनाने की दिशा में न केवल अपनी रचनाओं के माध्यम से बल्कि अपनी सृजनात्मक संगठन की जो कुशलता है उसको लेकर आत्मीयता से सक्रिय रहने वाले अनूप जी भी हमारे साथ हैं। तो अनूप भार्गव जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी, धन्यवाद। तो बात हम अनूप जी की अनुमति लेते हुए संतोष जी से उन के जीवन को समझने के बारे में उन्होंने टेक्नोलॉजी को साहित्य को जिस तरह से अपनाया है उस पर चर्चा करेंगे और विश्व रंग की तरफ आएंगे। पर विश्व रंग हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है और विश्व रंग एक कार्यक्रम का नाम भी है। तो विश्व रंग की परिकल्पना के बारे में पहले मैं कुछ संतोष जी से जानूं ऐसा अनुरोध उनसे पर ये इस अनुरोध के साथ मुझे स्मरण हुआ संतोष जी के हमारे दर्शकों को मैं ये भी बताता चलूं कि जो संतोष जी हैं वो एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो उन्होंने जीवन को जिस तरह से जाना और अपनाया है उसमें ये बात भी जब हम उनके पास बैठते हैं तो हमें उत्साह देती है कि एक ऐसा मनुष्य है जो ICS या इंडियन सिविल सर्विस IAS वाले रास्ते पर सफलता प्राप्त कर ले फिर भी उसको लगे कि नहीं मुझे ये ना करके और टेक्नोलॉजी में जाना है। लेकिन टेक्नोलॉजी में जाए पर फिर उसको लगे कि मुझे इसे हिंदी भाषा में सरल ढंग से संप्रेषित करना है और वो कंप्यूटर आपके लिए जैसी पुस्तक लिखे जिसको इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिल जाते हैं मिले हैं जिनका नाम लेना भी हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये हल्का सा परिचय और कुछ बातें आपके बारे में धीरे धीरे हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी। पर संतोष जी, आप अपने आप को जब कांच में देखते हैं तो क्या आपको लगता है ये संतोष चौबे कौन है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि आपका अपना खुद का आकलन जो अपने बारे में होता है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। और आज अगर आप पूछेंगे तो मैं अपने आप को एक सामाजिक उद्यमी मानूंगा। सामाजिक उद्यमी जो समाज को उद्यम के माध्यम से बदलने में विश्वास रखता है और ये मानता है कि साहित्य और कलाओं की उतनी ही जगह है जितनी की विज्ञान की जगह है, तो एक संतुलित जीवन प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। और दूसरा ये भी मानता है कि विकास का जो रास्ता हमने पकड़ा है उसमें हमें प्रकृति से समन्वय की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। और हमें प्रकृति के साथ ये समन्वय कलाओं के माध्यम से ही मिल सकता है। तो मोटा मोटा मेरा परिचय मैं यूं देना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा सामाजिक उद्यमी हूं जो वैश्विक दृष्टि रखता है। अनुप जी, आप बताएं कि जैसे उन्होंने सामाजिक उद्यमी कहा और कला के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया तो आपको क्या लगता है हम
टेक्नोलॉजी के कारण इतने अधिक बहिर्मुखी होते जा रहे हैं क्या, कि हमें कलाओं के महत्व को पहचानने की, उनका सत्कार करने की जो हमारी सजगता है वो कम हो रही है, ऐसा लगता है आपको अनुप जी? तो एक तरफ तो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के प्रति अधिक अधिक झुकाव हमें कुछ हद तक साहित्य या कला से दूर ले जा रहा है, और दूसरी बात जो अक्सर देखने में आती है वो सवाल ये उठता है कि साहित्य और कला आपको क्या दे सकती हैं। तो मैं अपना यहाँ पे खुद उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं साहित्य और कला के क्षेत्र में मेरी बचपन से रुचि थी, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भेजा गया क्योंकि वहां पर ज्यादा संभावनाएं हैं, तो उस हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने साहित्य और कला को आम आदमी तक पहुंचाने में मदद भी की ये बहुत सुंदर। और है। संतोष जी, आपकी जो पहली पुस्तक, जैसा मेरी जानकारी में है, वो कंप्यूटर आपके लिए थी। जो जी पुस्तक लिखने की विधाएं हैं, या समझिए साहित्य की विधाएं हैं, उनमें जो इस तरह की रचना होती है जो कि अब कुछ सूचना से समृद्ध कर रही है पाठकों को, उसका महत्व तो है लेकिन वो साहित्य नहीं माना जाता है सामान्यतया। और ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने उसी प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर आपने जी कंप्यूटर आपके लिए के बाद में जो साहित्य की विविध विधाएं हैं, कविता हुई, उपन्यास हुआ, कहानियां हुई, निबंध जी हुए, इनमें भी, तो जब आप कंप्यूटर आपके लिए लिख रहे थे तो क्या आपके मन में था? जी मैं अशोक जी, ये थोड़ा पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहता हूं। शुरुआत तो मैंने एक सामान्य लेखक की तरह, और एक इंजीनियर जिसका एम्बिशन है कि वो बड़े पदों पर पहुंचे और पब्लिक सेक्टर में जाए, इस तरह से की थी। और उस दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए भी मेरा चयन हुआ। लेकिन ये जो 77 के आसपास का पीरियड भारत का था, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने ऐसा महसूस किया कि हमें देश के विकास की दिशा को बदलना है, और बहुत से लोग अपनी नौकरियां छोड़कर अन्य सामाजिक कार्यों में आए। तो एक ऐसा वातावरण बना हुआ था, और मैंने ये तय किया कि मैं कुछ सामाजिक कार्य अपने हाथ में लूंगा। और क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि वैज्ञानिक थी, तो मैंने विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रचार प्रसार का काम अपने हाथ में लिया, और मैं समाज के बीच में जाने आने लगा। तो मैंने देखा कि भारतीय समाज किस तरह का है, और हमारे ग्रामीण विकास की स्थिति क्या है, गांवों में स्थिति क्या है। कंप्यूटर उस समय लगभग आ ही रहे थे। तो मेरे पिता वनमाली जी, जो खुद अपने आप में प्रेमचंद के समकालीन थे और कथाकार थे बड़े, उन्होंने प्रारंभ में तो मुझे कथा लिखने के प्रति और व्यंग लेखन के प्रति प्रवृत्त किया था, और वो स्कूल के समय में ही मैं अखबारों वगैरह में छपने लगा था। तो मैं लिखता तो शुरू में कहानी और व्यंग ही था, और कुछ कविताएं भी शुरू में लिखता था। लेकिन जब मैं समाज की तरफ गया, तो ये देखा कि समाज को विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि की भी बहुत जरूरत है। तो ऐसा मुझे समझ में आया कि इतनी सारी दुग्ध क्रांति की बात होती है, हरित क्रांति की बात देश में होती है, और कंप्यूटर क्रांति की बात भी तब होने लगी थी। अगर ये कंप्यूटर या सूचना तकनीक लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सुविधा ग्रामीण क्षेत्र को बिना छुए निकल जाएगी। मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई है वो बहुत दूर तक जाएगी। मूल प्रवृत्ति मेरी साहित्यिक थी, भाषा मेरे पास थी, लेकिन समाज ने जो मुझे सिखाया, उससे ऐसा लगा कि मुझे विज्ञान और विज्ञान के प्रचार प्रसार की तरफ जाना चाहिए, और ये पहली किताब यूं लिखी गई। बहुत ही प्रसन्नता है, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हिंदी की बहुत कम पुस्तकें होती हैं जो इस तरह का दावा कर सके कि वो छपने के बाद 1 लाख या बाद में तो बिलियंस बिक गई हैं, और विशेष करके ये शुष्क विषय माने जाते हैं, उस पर आपने इस तरह से लिखा है, मुझे देखनी पड़ेगी किताब, मैं ये सौभाग्य नहीं प्राप्त। मैं ये भी बताना चाहता हूं, आपने क्योंकि ये सवाल रखा है, इससे मुझे एक बड़ी अद्भुत अनुभूति ये हुई कि ये जो माना जाता है कि भारतीय समाज में या ग्रामीण समाज में ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उनको अपनी भाषा में और लेके जाएंगे और थोड़ा डीग्लैमराइज करेंगे और संवाद स्थापित करेंगे, तो भयानक रिस्पॉन्स आपको मिलता है, बहुत रिस्पॉन्स आपको मिलता है, और खूब रुचि सामने आती है। तो उसके बाद में करीब 40 किताबें और लोकप्रिय विज्ञान पर लिखी गई हैं।
वो सारी खूब लोकप्रिय किताबें। आपने जो भयानक रेस्पॉन्स कहा तो आपने शब्द का शुद्धिकरण कर दिया, इसका अलग अर्थ आपने दे दिया, कभी ये कर सकता है। पर मैं अनूप जी से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्वयं बहुत सक्रिय रहे हैं, हिंदी भाषा किस तरह से कंप्यूटर के माध्यम से सरल हो लोगों के लिए उसका उपयोग करना, इस पे उनका बहुत बरसों से ध्यान भी रहा है, काम भी रहा है। तो अनूप जी आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे लगता है कम से कम एक दशक से तो मैं देख रहा हूँ जब आप कुछ कविताएं अधिक लोगों में प्रचलित हों या हिंदी भाषा सीखें लोग कंप्यूटर पे प्रयोग करें, तो क्या लग रहा है आपको मोटा मोटी हम जहाँ से आपने शुरुआत की थी अधिक सफल आप महसूस करते हैं लोगों का कंप्यूटर हिंदी के बारे में जो समझ बढ़ी है उसको लेकर? कंप्यूटर को हिंदी से जोड़ने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं वो कई बरसों से चल रहे हैं, और मुझे याद है करीब 15 बरस पहले जब हमने एक ई कविता के नाम से एक समूह शुरू किया था जिसका उद्देश्य था कि कंप्यूटर के माध्यम से कविताओं का आदान प्रदान। तो उस समय बहुत मुश्किल हुआ करती थी हिंदी में लिखने में कंप्यूटर पे, तो समय के साथ में वो बदलती गई हैं, और अब हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं हिंदी के प्रयोग के लिए वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और हिंदी का प्रयोग कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सरल हो गया है। तो आम आदमी के करीब जाते हुए जो संवेदना है हमारी वो जीवित रहे और टेक्नोलॉजी हमको निगल न जाए जी, जी। इसका एक मैं कहूंगा कि बड़ा प्रखर प्रमाण जो है वो संतोष चौबे जी की उपस्थिति में हम तक आता है। और जैसा मैं पूर्व में उल्लेख कर रहा था आपने कवि के रूप में भी जो आपकी पुस्तकें आई हैं उनके नाम भी मुझे बड़े रोचक लगे, हरे रंग की कमीज है, हल्के रंग की कमीज है, रेस्तरा में दोपहर, प्रतिनिधि कहानियां हैं, इसके अलावा आपका जो उपन्यास है वो था राग केदार, और एक है क्या पता कॉमरेड मोहन। इससे मुझे लगता है आपका जो रुझान है जीवन की तरफ वो विविध विषयों में है, उसका बड़ा व्यापक फलक है। हर के अंदर एक रविंद्रनाथ छुपा हुआ, और उसको ढूंढ के निकालने के लिए अलग अलग कार्यक्रम होने चाहिए। उसमें से कुछ का संकेत मात्र हम आज की बातचीत में करते हुए फिर विश्व रंग की तरफ बढ़ने वाले हैं जो एक उत्सव में बात है। तो आप ये बताएं कि जो लिखना है वो आपको क्या संतोष देता है? मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के समय से ही और महाविद्यालय के समय से ही जो जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं या जो जिसको समाज के साथ अंतर्क्रिया कहते हैं, मैं बहुत सारे विषयों में रुचि बहुत शुरू से ही लेता था, और स्कूल का भी बेस्ट स्टूडेंट था, कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट था, बाद में सिविल सर्विसेज में ये सब काम आया, तो मुझे बहुत सारे विषय आकर्षित करते हैं। जैसे ये उदाहरण दूंगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होने के बावजूद मैंने इतिहास और हिंदी साहित्य को लेकर सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और क्योंकि मेरी रुचि हिंदी साहित्य में थी, और उस समय ये जो 77 का पीरियड मैं बता रहा हूँ जो कि भारत में एक भारी भारी उथल पुथल का पीरियड था, मेरी इच्छा होती थी कि मैं इतिहास पढ़ूं, और अंत में आज मैं इतिहास का बफ, मतलब आई एम अ हिस्ट्री बफ नाउ, मतलब इतिहास मेरे इतने निकट है। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता था, मैं सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता था, मैं मनोविज्ञान पढ़ना चाहता था, तो कुछ इस तरह की प्रवृत्ति मेरी थी कि बहुत सारे विषयों में का ज्ञान हासिल करने के बारे में, और उन केंद्रों पर जाता भी था, मतलब ऐसे बहुत सारे केंद्रों में जाता था जहां पर कि इससे ज्ञान मिल सके। तो ये बहुत सारी विविध चीजें कहानियों में और उसमें आती हैं। एक बात बताना भूल गया कि मैं बचपन में जलतरंग नाम का इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था, तो म्यूजिक, हाँ म्यूजिक का भी मेरे पास अच्छा खासा ज्ञान है और प्रशिक्षण भी अच्छा खासा है। तो नया जो उपन्यास आया उसका नाम जलतरंग है, जलतरंग वो शास्त्रीय संगीत की पृष्ठभूमि पर, और जिस तरह से समाज में अब शोर उत्पन्न हुआ है, वो शोर संगीत का भी हो सकता है, सामाजिक शोर भी हो सकता है, वो राजनीति का शोर भी हो सकता है, कैसे वो मनुष्य की भावना को कुंद बना रहा है, लगभग इस तरह से वो उपन्यास है, और एकदम काफी उसको प्रतिष्ठा मिली है। तो जल तरंग और राग केदार जैसे उपन्यासों के जो लेखक हैं संतोष जी, अब मैं समझ रहा हूं कि हमारे दर्शक बार बार जब विश्व रंग शब्द सुन रहे हैं और इस आयोजन के बारे में वो अधिक जानना चाहते हैं,
उसकी तरफ ले जाने से पहले आप एक छोटी सी कविता जो कि प्रेरक है, जी, कहो जी, भी है उसमें, बहो भी है और सहो जी, भी जी, जी, जी। आह्वान की कविता है। कहो कि कहने की आदत रहे, कहो कि कहने की आदत रहे, सहो कि दिलों में प्यार की इबारत रहे, बहो कि दुनिया में जोश और बगावत रहे, कहो सहो और बहो कि कम से कम आदमी तो रहो। क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कहो और सहो कि कम से कम आदमी तो रहो। तो संतोष जी, मैं आपके पास फिर आने से पहले अनूप जी के साथ ये निवेदन लेकर बढ़ रहा हूँ कि अनूप जी, आपने संतोष जी से विश्व रंग के बारे में पहले पहले कब सुना और क्या ऐसी बात रही कि आप इतने उत्साहित हो गए जिसको लेकर आप इसके विस्तार की दृष्टि से जो आयोजन हमारे क्षेत्र में हो रहा है उसमें भी सक्रिय हैं? तो इसके लिए मुझे, मैं आपको एक साल पहले लेके जाता हूँ, नवंबर 2019 में, जबकि मुझे निमंत्रण मिला विश्व रंग में सम्मिलित होने का। तो वो जो था पहला विश्व रंग कार्यक्रम था भोपाल में, और जब मैं वहां पर गया तो वहां पर मुझे, मैंने कई विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने उसमें शामिल रहा हूँ और भी कई उत्सवों में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है, लेकिन उस विश्व रंग की विविधता ने, उसकी भव्यता ने, उसके आयोजन ने जिस तरह से मुझे प्रभावित किया, वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर सम्मेलनों में से रहा। और वहां पर मुझे संतोष चौबे जी से मिलने का सौभाग्य मिला, तो हम लोगों की कुछ कॉमनैलिटी निकल आई कि दोनों ही हम लोग इंजीनियर हैं और दोनों की ही साहित्य कला में रुचि है। फिर आईआईटी दिल्ली का थोड़ा हमारा कनेक्शन दोनों का मिला। तो वहां से जब मैं लौटा तो चौबे जी से और विश्व रंग से मैं बहुत ही प्रभावित होकर लौटा था। संतोष जी, जो विश्व रंग है, मुझे ये बड़ा ही सुंदर लग रहा है नाम। इसके पीछे जो आपकी सोच है उसके बारे में कुछ बताएं। और जैसे आप पहले बता रहे थे, आप सामाजिक उद्यमी हैं और जो आपके उद्यम है वो बड़े सफल हैं, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा और अन्य प्रकल्पों में आप बहुत व्यस्त हैं। तो फिर ये वाले जो आयोजन होते हैं, ऐसा कि आपने अपनी बेटी का विवाह करना है, इस प्रकार का अपने ऊपर बीड़ा ले लिया हो जिसमें संसाधन भी लगते हैं, रचनात्मकता भी लगती है, पर उसके अंदर से जो एक उत्साह है, उसके अंदर से जो एक रसमयता का प्रवाह है, या ऐसे परिदृश्य में जहाँ हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो चाहे साहित्यकार हो, तो ये विश्व रंग की परिकल्पना और इसके आयोजन के बाद जो संतोष आपको हुआ आपके नाम जैसा, उसके बारे में संक्षेप में कुछ बताएं। ऐसा अशोक जी की विश्व रंग की परिकल्पना हमारे लगभग 30-35 साल के काम के बाद उभरी। यानी ये जो मेरा सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम है, इसी के समानांतर वनमाली सृजन पीठ और टैगोर इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, ये भी साथ साथ काम करते थे। तो मैं हर समय अपने समय को ऐसे विभाजित करता रहा कि अपने काम के अलावा साहित्य, कला और संस्कृति के लिए समय निकालता था। तो वनमाली कथा सम्मान देश का लगभग सबसे प्रतिष्ठित कथा सम्मान है। टैगोर सेंटर ने बहुत सारे टैगोर पर काम किया, उनकी पेंटिंग्स के ऊपर, उनके गद्य साहित्य के ऊपर और उनकी अंतर्राष्ट्रीयता के ऊपर। तो ये 1985 से ये काम चलता आता था। लेकिन एक बात जो मुझे खटकती थी, जो मैंने अनूप जी से शेयर भी की थी, वो ये है कि आज का समय जो है वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए बहुत ही विस्तार और अच्छा काम करने का समय है। टेक्नोलॉजी ने, जैसा कि अनूप जी ने बताया, कि ये संभव किया है कि आप हिंदी का एक ग्लोबल कनेक्ट स्थापित करें। लेकिन आप देखते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिविजन्स या कई अन्य कारणों से उस तरह का एक समन्वित प्रयास हिंदी को लेके नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ये लगा कि हम एक वैश्विक और बहुत बड़ा प्रयास करें जिसमें लोगों को आकर्षित करने की शक्ति हो। तो इन विश्वविद्यालयों से मैंने पूछा कि क्या आप लोग ये करेंगे कि हम ऐसा एक प्रोग्राम करते हैं, आप लोग रिसोर्सेस कंट्रीब्यूट करेंगे? और ये तय किया कि हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, मतलब हम किसी और ऐसे बंधन में नहीं पड़ेंगे जो हमें काम करने से रोके। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वविद्यालयों ने कंट्रीब्यूशन किया,
हमारे मित्रों ने कंट्रीब्यूशन किया और हमने कॉर्पस फंड बनाया जिसके आधार पर ये सोचा गया। फिर इसमें दूसरी जो बड़ी बात कहना चाहता हूं कि भाषा के अलावा आज के समय को अगर हमें समझना है तो जो विधाओं के बीच की बात है, मतलब नाटक और कविता के बीच का, कहानी और नाटक के बीच का जो अंतर संबंध है, इनको हमको सामने ला तो रस अपने आप बहता है। तो आपने देखा कि वहाँ अनुज जी बता रहे थे फोक भी था हमारे यहाँ, अर्बन आर्ट्स भी थे, पेंटिंग भी था और टैगोर का बहुत सारा काम प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा 30 देशों के लोग उसमें आए और उनका अपना अपना भी कविताएं थी, उनकी अपना गद्य था, उनकी चीजें थी। तो एक अजीब किस्म का उत्साह, ऊर्जा और रस उसमें क्रिएट हुआ जिसने कि मुझे अद्भुत संतोष से भरा। मैं लगभग साल भर उस आनंद में रहा और बहुत लोगों से मैंने शेयर भी किया। पर जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो अशोक जी वो संप्रेषित भी होता है, मतलब अभी भी समाज में या दुनिया में इस बात की भावना है कि आप अच्छा काम करिए तो वो संप्रेषित होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि अब 12-15 देशों में स्वतः स्फूर्त तरीके से ये काम हो रहा है और बहुत ही इससे एक बहुत बड़ा ग्लोबल कनेक्ट पैदा किया है। ये ग्लोबल कनेक्ट की बात को लेते हुए मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ फिर से अनूप जी की तरफ, जो कि भारत से नित्य कनेक्टेड रहते हैं और भाषा से भी कनेक्टेड रहते हैं। विश्व रंग की बात जब हम कर रहे हैं, साहित्य की, कला की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो समाचार पत्र होते हैं या जिन्हें हम समझते हैं कि हमारे समय के डिफाइनिंग इवेंट्स हैं, उनमें साहित्यकार बहुत अधिक दिखाई मुझे नहीं देते हैं। बल्कि नोबेल प्राइज विनर अगर साहित्य का है उसके बारे में भी खबर कहीं पीछे हल्की सी आ जाती है। तो यानी हम प्रमुखता से साहित्य के बारे में या कलाओं के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं कि इनको लेकर हमारा जीवन है। और इसके पीछे बहुत सरल ढंग से यदि मैं कहूं तो हम व्यावसायिक रूप से जो सफलता है उसको सर्वोपरि मानते हैं, इसके पीछे आध्यात्म भी पीछे पीछे छूट जाता है। और भौतिक भौतिकवादी जो युग है उसका अर्थ ही यही हुआ कि आप ये सारे संसाधन इकट्ठा करने की दौड़ में लग जाएं और उसमें जितने आगे पहुंच गए तो आप सफल हो गए। तो अनुज जी पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि व्यावसायिकता के दबाव के बावजूद ऐसी जगह, ऐसे हृदय बहुत सारे हैं जो कि सत्य को उस रूप में देख पा रहे हैं जिस रूप में हम संतोष जी से सुन रहे हैं या जिसको लेकर विश्व रंग है। अच्छी बात। तो अशोक जी आपने अपने सवाल का काफी हद तक तो खुद ही जवाब दे दिया, लेकिन मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक संस्था शुरू की थी करीब 4 बरस पहले झिलमिल के नाम से, और उसकी जो हमारी जो टैगलाइन जो है वही आपके सवाल का जवाब है। उसमें सिंपली हम कहते हैं कि आर्ट मैटर्स। तो कला का जिंदगी में जरूरी एक स्थान है। आप कितने भी तकनीक में बढ़ जाएं और जो आपने जैसा कहा कि व्यवसाय की जो विवशता है वो हमें उस तरफ ले जाती है, साहित्य से दूर ले आने की कोशिश करती है, कला से दूर ले आने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि आपका व्यक्तित्व पूरा तब तक नहीं होता जब तक उसमें कहीं साहित्य का अंश ना हो, कला का अंश नहीं हो। तो इसी को लेके हम लोगों ने संस्था शुरू की थी और इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विश्व रंग जो है वही इसी दिशा में एक कदम है अगला। बहुत सुंदर। तो समय ऐसे बहता है जैसे आपने कहा, बहुत तो आपकी बात समय तो सुन ही लेता है। आप बताएं कि इस वर्ष जो आप करने वाले हैं विश्व रंग 2020, उसका क्या आयाम उसका रहने वाला है? और जो भारत में अभी सारी दुनिया कोविड से प्रभावित है तो ऐसे में कोई भी आयोजन है वो सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, ऐसा ही रहने वाला है क्या? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ऐसा है कि ये पूरा कार्यक्रम सोचा तो ऑनलाइन ही गया है क्योंकि बंदिश है, आने जाने पे बंदिश है, लोगों के बाहर से यहाँ आने पे बंदिश है और शायद इतना सुविधाजनक भी नहीं है कि लोग बड़ा ट्रेवल कर सके। पर हमने इसको ऐसा सोचा है कि लगभग 30% जो है वो लाइव भी करेंगे और 70% हम लोग इसको थोड़ा डिफर्ड लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में भी करेंगे। एक तो ये है, तो प्रोग्राम तो ऑनलाइन है लेकिन इसकी जो पूर्व रंग की गतिविधियां हैं वो बहुत सारी ऑफलाइन भी हो रही हैं। जैसे कथा यात्रा अभी चल रही है और देश की लगभग 200 वर्षों की कथा परंपरा में जो कहानियां हैं उन पर बातचीत हो रही है। एक नेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है जिसमें कि युवा
अपनी पेंटिंग्स भेजेंगे या एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन चल रहा है, ये मेन फेस्टिवल के पहले के काम है। और मेन फेस्टिवल में हम लोग लगभग 72 सेशंस करने वाले हैं, जिसमें कि मीट द ऑथर जैसे कार्यक्रम होंगे, कुछ परफॉर्मेंसेस होंगे, कुछ विज्ञान पर केंद्रित कथाओं पर भी बात हो रही है, तो विज्ञान कथाओं और फैंटेसी पर बात होगी, शॉर्ट फिल्म डिस्प्लेज होंगे, मुशायरा और उर्दू और हिंदी के कवियों से बहुत सारा काम किया जाएगा। तो ये सारे जो हैं, और पुस्तक विमोचन, साहित्यिक विमर्श, परफॉर्मेंसेस, नाटकों का भी एक ऑफलाइन सम्मेलन करवा रहे हैं, तो जो नुक्कड़ नाटक का शिक्षा में उपयोग है उसको लेके कर रहे हैं। इसके साथ प्रवासी भारतीयों पर बहुत सारा फोकस है। एक बड़ा काम, जैसा कि अनूप ने बताया कि 13 देशों में ये डिमांड आ गई है और पैरेलल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, यूएसए भी उसमें एक है, और यूएसए के बहुत सारे हमारे अन्य चैप्टर्स भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो इस तरह का ये जो काम है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स मोड में, ब्लेंडेड मोड में होगा, और अंततः इसको सबको यूट्यूब पर रखा जाएगा, तो जो नहीं देख पाए वो आगे चलकर उसको यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस आयोजन में आईटीवी गोल्ड और हमारे जो आईटीवी गोल्ड के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक हैं, वो भी बड़े उत्साहित हैं और हम आपके साथ हैं इसको आगे पहुंचाने में। तो आगे पहुंचाने में मुख्य बात आती है अनूप जी कि हमारे दर्शक इसके बारे में अधिक जानकारी तो वेबसाइट जो हम संतोष जी के नाम के साथ दिखा रहे हैं वहां से ले सकते हैं, पर आप बताएं कि यहाँ जो आयोजन करने वाले हैं आप, उसमें हमारे दर्शक अगर रुचि लें किसी भी रूप में तो उनके लिए क्या, और यहाँ के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा और जानकारी। तो यहाँ पे मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा कि जो हम विश्व रंग यूएसए जो हो रहा है, उसको हमारा अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हम चाहते हैं कि अमेरिका का जो बेस्ट टैलेंट है उसको हम शोकेस करें लार्जेस्ट ऑडियंस पॉसिबल के सामने। तो हम एक तरफ अपना जो टैलेंट है अमेरिका का हर क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य में हो, नाटक हो, संगीत हो, इन सब विधाओं में हम अपना जो बेस्ट टैलेंट है उसको हम शोकेस करेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके हम लोग काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा एक सिंपल सा ईमेल एड्रेस है vrang.usa@gmail.com, उस पे आप हमें लिखिए और हमसे जुड़िए। और कितनी तारीख को है ये? 6, 7, और 8 नवंबर, जो कि फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग करेंगे। ये सोशल मीडिया पे उपलब्ध होगा, और जैसा कि आपने कहा कि कुछ टीवी चैनल्स पे उसकी हाइलाइट्स दिखाई जाएंगी। क्या बात है, 6, 7, 8 नवंबर। 6, 7, 8 नवंबर को विश्व रंग के आयोजन में आपको निमंत्रण देने के लिए भारत से हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश चौबे जी, जो कवि भी हैं, लेखक भी हैं और सामाजिक उद्यमी हैं, और आपने बात कहो बहो सहो की कही थी, तो मुझे चलते चलते दुष्यंत कुमार का शेर याद आ गया है जो मैं आपको भोपाल के ही थे। जी, इसीलिए शायद याद आ गया। उन्होंने कहा कि मत कहो आकाश में कोरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जी, मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि विश्व रंग एक ग्रोइंग प्रक्रिया है, उसमें आइए, उसमें जुड़िए। इस बार जो यूएसए में फेस्टिवल हो रहा है वो अंततः मेन फेस्टिवल में भी दिखाया जाएगा, तो 20 से 29 नवंबर के बीच में मेन फेस्टिवल भी है। आप यूएसए से भारत तक यात्रा करें और हमारे साथ लगातार बने रहें। बिल्कुल, तो ऑनलाइन पर ये जो जुड़ने का एक अवसर है उसका लाभ हम घर बैठे बैठे ले सकते हैं। और चलते चलते मैं ये भी आपके साथ याद करना चाहूंगा कि हमारे अपने अपने रंग हैं, पर हम सब रंगों को मिलाकर जो एक विश्व रंग बनता है उसका अंश है, उसका जो अनुभव, उसकी अनुभूति हमारे पास आती है, वो हमारे मनुष्य होने के सार को सुंदरता से उजागर करती है। और इस दिशा में हमें अवसर देने के लिए अनूप भार्गव जी का धन्यवाद करते हुए, विशेष रूप से संतोष चौबे जी का भी आभार धन्यवाद है, और आप सभी इस कार्यक्रम का लाभ लेंगे ऐसा मुझे लग भी रहा है, और आप हमारी इस बातचीत में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मंगल काम है अशोक व्यास।